तानसेन देश का शायद ही कोई व्यक्ति हूँ जिसने महान संगीतज्ञ तानसेन का नाम ना सुना हो। तानसेन का असली नाम तिन्मुख और पुकारने का नाम तन्ना था। आपके पिता का नाम मकरंद पांडे था। आपके जन्मतिथि के विषय में अभी तक विद्वानों की एक राय नहीं हो पाई है, परंतु 1532 ईस्वी के लगभग जन्म मानने वालों की अधिक संख्या है। आपका जन्म ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में हुआ। तानसेन के जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, इससे भी बहुत चिंतित रहा करते थे। सौभाग्य से उनकी भेंट मोहम्मद गौस नामक एक सिद्ध फकीर से हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको यह पुत्र हुआ। स्वाभाविक था कि माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका बहुत अधिक लाड़ प्यार हुआ, जिससे वे स्वभाव के अत्यंत चंचल हो गए थे। परंतु उनमें बाल्यकाल से ही विभिन्न पशु पक्षियों की बोली के अनुकरण करने की अलौकिक प्रतिभा थी। कुछ वर्षों बाद इनको संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पिता मकरंद पांडे ने दी। बाद में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित ग्वालियर के राजकीय संगीत विद्यालय में संगीत सीखा। तन्ना की भेंट स्वामी हरिदास जी से हो गई। स्वामी जी अपने समय के अत्यंत सिद्ध संगीतज्ञ महात्मा थे। उन्होंने तन्ना में महान संगीतज्ञ बनने की प्रतिभा देखी, अतः उन्होंने तन्ना को अपनी शिष्यता में ले लिया और वृंदावन में संगीत शिक्षा देने लगे। कहा जाता है कि तन्ना में संगीत की जे अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने इन्हें तानसेन की उपाधि से सम्मानित किया। तभी से वे तानसेन के नाम से प्रसिद्ध। लगभग 12 वर्षों की शिक्षा के उपरांत तानसेन पुनः अपनी जन्मभूमि ग्वालियर लौट आए। रानी मृगनयनी ने हुसैनी नामक एक महिला से तानसेन की शादी करा दी। तानसेन के 4 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। पुत्र थे सूरत सेन, सरतसेन, तरंग सेन और विलास खा तथा पुत्री सरस्वती। जैसे ही तानसेन की ख्याति एक गायक के रूप में बढ़ी, रीवा नरेश महाराज रामचंद्र ने आपको अपने दरबार में आमंत्रित किया। महाराजा रामचंद्र तथा अकबर बादशाह समकालीन थे। जब अकबर ने तानसेन की प्रशंसा सुनी तो उसने तानसेन को अपने दरबार में आश्रय देने की इच्छा प्रकट की। राजा रामचंद्र इस प्रस्ताव को टाल ना सके और अपनी इच्छा के विरुद्ध तानसेन को अकबर के दरबार भेज दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था, अतः तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनको अपने नवरत्नों में रख लिया। अकबर के दरबार में और कई अच्छे संगीतज्ञ नियुक्ति थे। ऐसी किंवदंती है कि एक बार दूसरे संगीतज्ञों के कान भरने पर अकबर ने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए विवश किया। उसमें तानसेन की सिद्धता सामने आ गई और अकबर को अपनी हट पर पछताना पड़ा। महाकवि सूरदास ने तानसेन की प्रशंसा में निम्न दोहा लिखा है, विधनय जिय जान के शेषी दिए न कान, धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने दिल्ली में यह घोषणा करा दी थी कि उनके अतिरिक्त राज्य में कोई गाना ना गाए और जो कोई व्यक्ति गाएगा उसको तानसेन के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और हारने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन गायक था और उनकी प्रतियोगिता तानसेन के साथ हुई, जिसमें तानसेन को हार खानी पड़ी। घोषणा के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना था, परंतु बैजू बावरा ने अपनी विशाल हृदय का परिचय देकर उनको क्षमा कर दिया। परंतु इस किंवदंती पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता। तानसेन ने कई नवीन रागों की रचना की। उसमें दरबारी कान्हेरा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि मुख्य हैं। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना हिंदू धर्म बदला ही नहीं। जो भी हो, तानसेन की मृत्यु 1589 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तानसेन की शिष्य परंपरा की संगीतज्ञ 2 शाखाओं में बट गए। उनमें से कुछ रबाबीय तथा वीणाकार हुए। कोलकाता के प्रसिद्ध स्वर्गीय दबीर खां उन्हीं के वंशजों में से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।